ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है बीन टीवी पे। आज जिस पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है और बहुत ही दिल के करीब है। आपको भी उनसे मिलके बड़ा मजा आएगा, तो चलिए चलते हैं और पहले उनसे मिलते हैं। आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी एकेडमी में। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ा मजा आता है इनसे मिलके। नौशाद अहमद भाई मेरे बड़े भाई हैं, आपसे मिलवाता हूँ बहुत जल्दी इनसे भी। पांच साल बड़े हैं। ये मेरा सॉल्ट एंड पेपर लोग उन्होंने दिया। तो चलिए बात करते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, आपको इनसे पता चलेगा, बड़ा मजा आएगा उनसे मिलके। चलिए फिर तो हम आए हैं यहाँ पे जावेद अबीब हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी अंधेरी ईस्ट में, जो कि पूरा मैनेज करते हैं नौशाद अहमद जी। अब नौशाद भाई के साथ तो बहुत सारी बातें होगी, बहुत मजा आएगा। इतने अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, इतने डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, और जो सिखाते हैं बहुत अमेजिंगली सिखाते हैं। बाकी की बातें हम उन्हीं के साथ करेंगे, तो चलिए। तो आज है हमारे साथ नौशाद भाई, और नौशाद भाई को मैं 2007 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और मैं इनके साथ ही बड़ा हुआ। जिस दिन से मैं बॉम्बे आया हूँ तब से जानते हैं। हाँ, मतलब ये जब से बॉम्बे आए तब से मैं जानता हूँ। मैं दुबई से आया था, ये अहमदाबाद से आया था। बेसिकली वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ लेकिन तब मैं शिफ्ट हुआ था। तब आप शिफ्ट हुए थे अहमदाबाद। यस, एंड जावेद सर ने उस टाइम पे जब ये जावेद अभी हेयर एंड ब्यूटी लॉन्च हुआ था, सर ने बहुत अमेजिंग टीम बनाई थी और उस अमेजिंग टीम में जो टेक्निकली जो ट्रेनिंग देते थे उनमें से एक नौशाद भाई थे। सो नौशाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप बीन में आए। एंड आई होप हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के जितने भी हेयर ड्रेसर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, सैलून ओनर्स हैं, शायद वो आज आपसे कुछ अमेजिंग इंस्पिरेशन और नॉलेज लेके जाए। थैंक्स टू यू, आपने मुझे लाइक समझा एक्चुअली, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं लकी हूँ आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। ये इंटरव्यू इसलिए हो रहा है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना बड़ा हुआ हूँ या मैं उस लेवल पर हूँ, लेकिन इज ऑल माई कैसे ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर, क्या लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये होता है बड़प्पन एक बड़ी पर्सनालिटी का। आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो हमेशा ग्राउंडेड रहता है। हालांकि मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो मैं अपने डेली पर्सनल लाइफ में भी डालता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी डालता हूँ। इनसे एक चीज जो खास सीखने को मिली है ना, वो है कि पेड़ अगर जमीन से लग के रहेगा ना तो ज्यादा ग्रो करेगा, तो उसके रूट्स और बहुत डीपली जाते हैं और वो नॉलेज के रूट्स होते हैं, जो इनसे मेरे को सीखने मिला है। सो चलिए नौशाद भाई, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। वैसे आप बिलोंग प्रॉपर कहाँ से करते हो? मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ पे एक छोटा सा मेरा गांव है नेटवर्क के अंदर। ओके, और वहाँ से वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, वहाँ पे ही मैं ग्रो हुआ और इनिशियली मेरी स्टडी वहीं से ही हुई। उसके बाद जब मैंने अपना करियर शुरू किया, बेसिकली एक छोटे सैलून से वहीं से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, बिकॉज दिल्ली इज़ वेरी नियर टू अस। राइट, तो हम लोग जितने भी लोग हैं यूपी साइड के ज़्यादातर दिल्ली ही आते हैं ज़्यादातर पहले, क्योंकि वो बहुत पास भी है और बड़ी बड़ी सिटी है। ओके, जहाँ पे आदमी हायर एजुकेशन के लिए भी आता है और जॉब के लिए भी आता है, तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली के बाद फिर आप उन्हें सीधा दिल्ली जाके कहीं पे और काम किया या डायरेक्ट जावेद अभी? नहीं, मैं दिल्ली में पहले इनिशियली मेरे रिलेटिव्स के सैलून हैं वहाँ पर, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया, जहाँ पे मैंने काम किया,
उनमें मेरे कजन्स थे या मेरे रिलेटिव जीजा, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि इस प्रोफेशन में ट्रेनिंग भी होती है। ओके, बिकॉज उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि इस प्रोफेशन में ट्रेनिंग होती है। इट वॉज सिस्टम क्या था हमारे, क्योंकि मैं इसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरे परिवार में कोई ये काम नहीं करता था। ओके, लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स थे, चाहे मेरे पापा हो या मेरे जी और भी रिलेटिव हो, मेरे कजिन्स हो, वो सब यही ज़्यादातर इसी प्रोफेशन में थे, बिकॉज कास्ट यही है और सबका प्रोफेशन यही था। तो मैं आई वॉज द वन इन माई फैमिली स्टार्टेड दिस वर्क। तो मैंने गाँव से सीखना शुरू किया, उसके बाद मैं दिल्ली आया, अपने रिलेटिव्स के पास काम किया। तब जाके मुझे पता लगा, जब शहर में आते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो मुझे पता लगा कि इस प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग भी होती है। उससे पहले मुझे नहीं पता था। जब आप ट्रेनिंग करेंगे, अभी लाइक आपने ऑलरेडी काम तो शुरू कर ही दिया था, तो जब आपको काम सिखाया जा रहा था और आपने ट्रेनिंग ली, तो कुछ जमीन अंतर का, मतलब जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था, या फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, जो मैंने ट्रेनिंग ली थी वही है लेकिन इसको और ऑर्गेनाइज तरीके से किया है? बहुत बड़ा डिफरेंस था। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? एक तो मैं जेंट्स पावर था, जेंट्स काम करता था, वहाँ पे जो ट्रेनिंग मिल रही थी मुझे, वो इनिशियली तो लेडीज से शुरू होता है, बाद में जेंट्स वगैरह भी सिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये था एजुकेशन का। ओके, आपको इस काम के लिए भी एजुकेशन की उतनी ही जरूरत है जितनी और दूसरे काम के लिए भी है। राइट, वो उतना हमें नहीं समझ में आता था उस टाइम पे। ओके, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोफेशन। नौशाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ज्यादा करके जो फीस होती है बड़ी एक्सपेंसिव होती है, और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को आना चाहता है, और अभी तो राइट टाइम है कि लोग इंडस्ट्री में आए, बिकॉज एक नई शुरुआत है, एक नया सिस्टम है, और ये पेंडेमिक के बाद तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी आ गया है। तो लेकिन फीस की बात आती है तो थोड़ा लोगों को अफोर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी फीस हाई है। तो आपके हिसाब से आपके यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, सहूलत है, ताकि लोग जो हैं वो आपके एकेडमी ज्वाइन कर सकें? देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, जावेद हबीब एज ए ग्रुप, वो शुरू से इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और प्लस बहुत रीजनेबल रखा हुआ, ऑलरेडी प्राइस बहुत रीजनेबल है। Okay. बॉम्बे के हिसाब से अगर आप बड़ी अकेडमीज की बात करते हो, बड़े ब्रांड की बात करते हो, एज ए कम्पेटिवली जो हम कंपटेंट मानते हैं, उनके प्राइस में और हमारे प्राइस में यू कैन से हाफ डिफरेंस है ऑलरेडी। वाओ, और उसके बाद अगर मैं अभी की बात करता हूँ, पेंडेमिक की बात करता हूँ, तो पेंडेमिक के बाद जावेद सर ने और डिसीजन लिया है कि हम लोगों के लिए, क्योंकि जावेद सर का मिशन है कि एजुकेशन है, लोगों को मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन देनी है, हेल्प करनी है, तो उन्होंने और प्राइस को रिड्यूस किया, डिस्काउंट चलाया हुआ है। पेंडेमिक के बाद अगर जो प्राइस देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा कम हो चुके हैं, और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो अभी पूरा यूनिफॉर्म बना दिया सर ने फीस का। Right. मतलब आप बॉम्बे में करो, आप पटना में करो, आप यूपी में करो, आप किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में अगर आप जाओगे, जावेद हबीब का प्राइस अभी फिक्स हो चुका है। Hmm. अभी ये पेंडेमिक के बाद बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और प्राइस बहुत रीजनेबल है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना रीजनेबल प्राइस किया है जस्ट फॉर पेंडेमिक, जस्ट फॉर लोग, बिकॉज ये चीज़ जो आपने बोली पैंडमिक के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग करियर बनाना चाहते हैं, वो चीज़ मैं भी रियलाइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज वो क्या रहा है कि जब मैं कॉल रिसीव करता हूँ लोगों की इंक्वायरीज़ के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, नाउ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग परमानेंट। परमानेंट क्या है? वो परमानेंट होता है हुनर। अगर आपके पास हुनर है तो आप कभी भी कहीं भी काम कर सकते हो। वाह, क्या बात है। अगर आप लोगों को हुनर चाहिए और अच्छी प्राइस में चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल डाल दी है, आप नौशाद भाई को कांटेक्ट कर सकते हो और आपका काम आसानी से हो जाएगा, एंड सीरियसली बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग मिलेगी। देखो, ब्रांड का भरोसा, जावेद हबीब ट्रेनिंग में मास्टर्स हैं यहाँ पे, एंड आपका करियर सुपर हिट हो सकती है। आप लोगों को भी चीयर्स। नौशाद भाई, एक बात पूछना चाहूँगा। देखो, हम मुझे तो ऑलमोस्ट 2000 से मैं सलून इंडस्ट्री में हूँ, आप भी उसी समय से हो, ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है सलून इंडस्ट्री का। मैंने भी सलून इंडस्ट्री 20 साल से देखता आया हूँ आज की, लेकिन जो जनरेशन है, जो हमारे हेयर ड्रेसर्स की जनरेशन है, वो उस तरीके से पैशनेट नहीं हो दिखती है, और हमेशा वो मोबाइल पर ज़्यादा रहती है। सैलरी और सपने तो बड़े हाई होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ा लो होता है। तो आपके हिसाब से व्हाट एक्चुअली इज अ हेयरड्रेसर? मैंने जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें जो सबसे बड़ा रोल आया है ना, वो यही आया है कि जो दो तरीके के लोग आए, एक तो जिनको वाकई में करना है, मेहनत करनी है और इस प्रोफेशन में अपने नाम कमाना है, वो इन सब चीज़ों में नहीं है।
अभी भी है लेकिन लिमिटेड है क्योंकि सोशल मीडिया एक जरूरत बन गई है तो वो उसको जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं. बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा ये मेरा दोस्त है ये उस प्रोफेशन में पहुंच गया है तो बहुत अच्छा कमा रहा है मैं भी इस प्रोफेशन में चाहता हूँ और इसने तो नेम फेम दोनों कमा लिया है अच्छी गाड़ी में घूम रहा है अच्छा पैसा कमाता है अच्छा स्टेटस मेंटेन कर रहा है तो वो जो उसको देख के आए वो उनका फोकस है इस काम में नहीं है. उनका फोकस दो ही चीज़ों में है पैसा और सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया प्रमोशन. सो बहुत सारे अभी भी ऐसे हेयरड्रेसर हैं उनमें से मैं भी एक हूँ जो सोशल मीडिया में नहीं था बिल्कुल भी बट अभी क्योंकि जरूरत बन गई है तब समझ में आ रहा है कि नहीं सोशल मीडिया पे भी आपको अपने आप को बिजनेस रखना जरूरी है. लेकिन कितना आपको सोशल मीडिया पे रहना है और किस तरीके से रहना है वो मिसिंग है. सोशल मीडिया का यूज अच्छा भी है और बुरा भी है. जैसे आप बता रहे हो कि हर आदमी अभी मोबाइल में रहता है वो आज हर सलून का प्रॉब्लम्स है. हर सलून का प्रॉब्लम्स क्या है कि आप वो गेम खेल रहे हैं तो उसको गेम को कंप्लीट करना है और क्लाइंट आया तो उसका फोकस वहां पे नहीं है बिल्कुल और वो कॉन्सेंट्रेशन तोड़ना फिर इमीडिएटली आपको अच्छा परफॉर्म करना अच्छे से प्रेजेंटेशन देना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपका दिमाग गेम में था या आपका दिमाग चैटिंग में था या आपका माइंड इंपॉर्टेंट मैसेजेस पे था. तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस सभी प्रॉब्लम सभी के साथ चल रहा है. बट मैं अगर उसका सही मायने में अगर आंसर दूं तो वो यही है कि अगर आपके अंदर पैशन ही नहीं है तो आपको इम्पोर्टेंस उस काम को देना ही नहीं है जिस काम में आपका पैशन नहीं है. और अगर आप पैशनेट हो और आप सच्ची में दिल से करना चाहते हो तो आपका सारी चीज़ें एक साइड में हो जाती हैं और आपका काम एक साइड में आ जाता है. जैसे मैं बदनाम हूँ अपने घर के अंदर भी अपने दोस्तों के अंदर भी कि नौशाद काम नहीं छोड़ सकता. कहीं अगर हमें जाना भी है तो वो काम नहीं छोड़ के आएगा वो अपने हिसाब से ही आएगा. इस चीज़ के लिए मेरे फ्रेंड्स मुझे पुलिंग भी करते हैं मजाक भी बनाते हैं मेरे घर वाले भी मुझे ये बोलते हैं लेकिन मेरा पैशन ही यही है मेरा शौक ही यही है मेरी खुशी ही यही है. नौशाद भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा. एक तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आता है तो उसे लगता है कि उसे ऑलराउंडर बनना है मतलब उसे हेयर भी सीखना है स्किन भी सीखना है ब्यूटी का काम भी करना है नेल्स का काम भी करना है मेकअप का भी काम करना है. तो ये कितना सही है या ऐसे सब कुछ कन्फ्यूजन मतलब कहते ना करना जरूरी है या फिर आपके हिसाब से आप क्या कहोगे? विक्रम भाई मेरे पास ना ये ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं जब मैं इंक्वायरीज के लिए फ़ोन पिक करता हूँ या जो लोग इस प्रोफेशन में नहीं है जो मिड फैमिलीज में है वो उनको एक ही चीज़ पता है कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना. और ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब वो ब्यूटी पार्लर में सीखने जाती थी वहाँ पे एक जो ऑनर होती थी वो सिखाती थी. वो वहाँ पे आप उनको असिस्ट कर रहे हो आप सब सीख रहे हो आप वो मेकअप करें तो मेकअप सिखा रहे हैं हेयर कट करें तो हेयर कट सिखा रहे हैं वैक्सिंग थ्रेडिंग और ये सब तो ये एक ब्यूटी पार्लर कोर्स कहलाता था. बट अभी अगर ये क्लियर होना बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि आप जब इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट वाइज चूज करना पड़ेगा. अब सब्जेक्ट वाइज क्या है कि आपको हेयर स्टाइलिस्ट बनना है. हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए इतना कुछ है करने के लिए कि आप अगर बाहर कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने जाते हो तो 2-2 साल का कोर्स होता है जिसमें हेयर साइंस से लेकर हेयर कट सब कुछ सिखाते हैं. अगर आपको ब्यूटी में आना है तो स्किन का कोर्स होता है पूरा स्किन से रिलेटेड इतना कुछ पढ़ने को है इतना कुछ सीखने को है कि आपको उसमें ही सालों लग जाते हैं उसमें एक्सपर्ट बनने में सालों लग जाते हैं. तो ये एक डिवाइड हो गया वो पहले पैकेज जैसे मुझे लगता है कि कुछ अकेडमीज प्रोवाइड करती हैं पैकेज में भी कि भाई आप ब्यूटी भी सीख सकते हो स्किन भी सीख सकते हो ब्यूटी में और हेयर भी सीख सकते हो नेल आर्ट भी सीख सकते हो मेकअप भी सीख सकते हो. बट इंडिविजुअली अगर मैं सोचूँ किसी भी चीज़ को एक चीज़ को अगर आप होल्ड करते हुए हमें एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना है तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप किसी एक चीज़ को एक्सपर्ट कर लो आप उसी में ही सक्सेस हो सकते हैं. सो आप या तो हेयर सीख लो हेयर आर्टिस्ट बन जाओ हेयर ड्रेसर बन जाओ जिसमें आप हेयर से रिलेटेड सब कुछ कर रहे हो आप हेयर कट कर रहे हो कलर कर रहे हो स्ट्रेटनिंग कर रहे हो पमिंग कर रहे हो कैरेटिंग अपडू स्टाइलिंग कलर there's so much to do there's so much to learn there's so much to do उसमें आपका साल दो साल निकल जाते हैं एक्सपर्ट बनने में. प्लस अब अगर आपको ब्यूटी में आना है तो आपको ब्यूटी में ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. मेरा पर्सनली ये एडवाइस है लोगों के लिए कि आपका जो फोकस होना चाहिए एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए. इट्स गुड टू लर्न सो मेनी थिंग बट इट्स बेटर टू बिकम एक्सपर्ट इन वन सब्जेक्ट. बिकम मास्टर इन वन सब्जेक्ट योर लाइफ इज सॉर्टेड. वंडरफुल. नौशाद भाई एक बात बताइए अभी हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत ऐसा होता है कि हम लोग है ना जो इंटरनेशनल होते हैं ना उनको फॉलो करते हैं तो क्या हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ टेक्निक बनाए अपनी टेक्निक हो जैसे लोकल का वोकल टाइप जो हमारी टेक्निक हो और लोग उसको फॉलो करें. मैं बहुत इम्पोर्टेंटली ये बात मानता हूँ कि हम अपनी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं. हम अपनी चीज़ें बना सकते हैं. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर जी
इट्स गुड टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड बट व्हाई नॉट वी डोंट क्रिएट अवर ओन सिस्टम बट द प्रॉब्लम इज वी क्रिटिसाइज अवर ओन सिस्टम अगर आज कोई हेडलेसर कोई अपनी टेक्निक बनाता है तो उसको वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं और दूसरे लोग अगर ये वही चीज अगर कोई बाहर का बंदा आता है वाइट मैन आके हमें कोई शो करके दिखाता है जो इंडिया में वर्केबल भी नहीं है हम लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं उन लोगों के लिए बराबर चाहे वो हम सलून में कॉपी करें नहीं करें बट चलो ठीक है वो इंस्पिरेशन है बट मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हम अपनी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन अगर हमारे पास राइट फाउंडेशन है एजुकेशन का तो वी शुड ट्राई अवर ओन टेक्निक एंड वी शुड रियली प्रमोट इट वाह बहुत खूब देखिए भाई अपन अपनी टेक्निक बना सकते हैं और इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं आई थिंक तो पैशन होना चाहिए पागलपंती होनी चाहिए पैशन होना चाहिए पागलपंती होनी चाहिए और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या बात है थैंक यू अशोक भाई यस अब एक चैलेंज है जो मैं आपको इससे करके बताऊंगा okay. और आपको ये चैलेंज लेना होगा ठीक है लेकिन अगर आप ये चैलेंज नहीं कर पाए तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे ठीक है चैलेंज कुछ इस प्रकार से है देखो ये है ऐसा आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे करना है ऐसे है ऐसे है ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के आपको ऐसे लेके आना है ठीक है आपको 3 मौके दिए जाएंगे अगर आपने फेल हो गए तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे ठीक है तो पहला मौका चांस एक तो गया दूसरा भी गया तीसरा जीत गया सो थैंक यू वेरी मच देखिए मैं जीत चुका हूँ 100 रुपीज लेकिन ये 100 रुपीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा थैंक यू वेरी मच जितने मिठास नौशाद भाई के बातों में है उतनी ही मिठास उनकी चाय में भी है एक बात तो है मतलब मैं नौशाद भाई को पिछले 15 साल से जानता हूँ नौशाद भाई ऑब्वियसली उन्होंने जावेद अबीब से ट्रेनिंग ली है और जावेद सर को भी मैं इतने टाइम से जानता हूँ तो एक चीज़ तो है जैसे गुरु होता है ना वैसे ही उसके शिष्य के अंदर उनकी परछाई और उनका कल्चर आता है जावेद हबीब एक सब अकेडमी नहीं है बल्कि कल्चर है ये मेरा मानना है क्योंकि मैंने जावेद हबीब में बहुत टाइम मैंने बिताया है अगर आप लोगों को भी एक अमेजिंग कल्चर चाहिए अपने अंदर एक अच्छा हुनर चाहिए एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो आप आ सकते हो जावेद अबीब अकेडमी में दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू द स्टेशन मतलब अंधेरी मेट्रो ईस्ट में उसके ठीक नीचे ही अकेडमी है मतलब आपको ट्रैवल की भी कोई टेंशन नहीं होगी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया तो तब मैं चाह पीता हूँ सर जी दूध मिलेगा अमूल का है अमूल का है अमूल का चलेगा एक दे दीजिए ना ये ओके फ्रेश है फ्रेश और बच्चों के लिए कुछ है क्या क्या चाहिए बिस्किट्स वगैरह कुछ दे दीजिए नौशाद भाई आपको मिलके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड सबसे पहले तो आपके जीते हुए पैसे एक बहुत नेक काम में काम आए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा बिकॉज बेस्ट कमेंट वालों को नौशाद भाई की तरफ से 1 वीक का पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग मिलने वाली है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड अगर नहीं पसंद आया तो और भी वीडियोस आएंगे वो देखने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं तो चलिए फिर आपका दिन बहुत ही शुभ रहे हैव अ ग्रेट डे जय हिंद आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ या आपके साथ बात कर रहा हूँ ये मेरी बड़ी बात है ये तो है